जी डी कॉन्स्टेबल के लिए हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जैसा कि आपके एग्जाम पैटर्न में आता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द या संख्या का चयन कीजिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार सिपाही का संबंध पुलिस का पुलिस का संबंध किससे है सिपाही कांस्टेबल से उसी प्रकार कक्षा का निकालना है तो देखिए इस जिस प्रकार सिपाही जो होते हैं या कांस्टेबल जो होते हैं वो पुलिस की एक यूनिट होती है इकाई होती है वो आपके पुलिस के अंतर्गत आता है उसी प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जो है वो कक्षा की एक यूनिट होती है एक छोटी इकाई होती है अगला क्वेश्चन है जी या ई डी का संबंध है टी एस आर क्यू से तो के आई एच का संबंध निकालना है तो यहाँ पर क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग पहला है आपका जी एफ जी एफ और ई डी अब इनके अल्फाबेट कोड पता होने चाहिए जी का होता है सात एफ का होता है सिक्स ई का होता है फाइव और डी का होता है चार तो देखिए सात से छः बनने में क्या हुआ एक घटा छः से पाँच बनने में क्या हुआ एक घटा पाँच से चार बनने में एक घटा एक घटा अब हम लोग देखते हैं टी एस आर क्यू का टी एस आर क्यू टी का कोड क्या होता है ट्वेंटी एस का होता है उन्नीस आर का होता है अठारह और क्यू का होता है सत्रह तो इसमें भी देखिए एक घटा फिर उन्नीस से अठारह बनने में एक घटा फिर अठारह से सत्रह बनने में एक घटा दोनों में आपका एक एक घट गया मतलब पहले का जो संबंध दूसरे से है मतलब पहले और दूसरे जो हैं आपके एक समान है उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा वाला जो आपका है के जे और क्या है आगे आई एच इसको देखते हैं के का अल्फ़ाबेट कोड होता है एलेवन जे का होता है दस आई का होता है नौ एच का होता है आठ अब देखिए ग्यारह से दस बनने में क्या हुआ एक घटा दस से नौ बनने में कितना घटा है एक नौ से आठ बनने में एक घटा आगे हम लोग ऐसा अल्फाबेट चुनेंगे जिसमें एक एक सभी के अल्फाबेट कोड में एक एक घट रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देख के ही बता सकते हो तो एक्स है डब्लू है और वी है यू है एक्स का होता है चौबीस डब्लू का होता है तेईस वी का होता है बाईस और यू का होता है इक्कीस चौबीस से तेईस बनने में एक हठा तेईस से बाईस बनने में एक हटा और बाईस से इक्कीस बनने में एक हटा तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है नौ का संबंध छब्बीस से तो इक्यासी का संबंध निकालना है तो कैसे करेंगे तो देखिए नौ से हमें छब्बीस बनाना है तो छब्बीस के निकट ले जाना है समीप ले जाना है नौ को तो इसमें तीन का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आता है सत्ताईस और सत्ताईस से छब्बीस बनाना है तो इसमें कितना कर दिया एक घटा दिया तो हमारा क्या बन गया छब्बीस इसी प्रकार हम लोग इक्यासी के लिए करेंगे तो इक्यासी में भी आपका तीन का मल्टीप्लाई होगा तो तीन का मल्टीप्लाई किया आपका आ गया दो सौ तैतालीस और एक घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी एक घटाया था तो आपका आंसर आ गया दो सौ बयालीस तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों शब्द या संख्या का चयन कीजिए तो चौथा क्वेश्चन है इसमें जो तीन जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से समान होंगे एक समान होंगे और जो आपका एक जो चारों में से एक बचेगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा अलग होगा विषम होगा तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन है इसमें आपका विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी शंकु क्यों हो जाएगा ये जो आकृति होती है शंकु ये होती थ्री डी आकृति और वर्ग जो होती है ये टू डी होती है त्रिभुज जो होती है ट्रायंगल ये होती है टू डी और आयत जो होता है रेक्टेंगल ये भी आपकी कौन सी आकृति होती है टू डी तो सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा थ्री डी वाली आकृति तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर अगला देख लेते हैं तो इसमें कौन सा अलग होगा पाँचवें में तो देख लेते हैं पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए सभी के अल्फाबेट कोड पता होने चाहिए ए का होता है एक सी का होता है तीन ई का होता है फाइव जी का होता है सेवन हो गया तो एक से तीन बनने में दो जोड़ा तीन से पाँच बनने में दो जोड़ा और पाँच से सात बनने में दो जोड़ा तो सभी में दो दो जोड़ा अब ऑप्शन बी चेक करते हैं बी का कोड होता है दो डी का होता है चार एफ का होता है सिक्स और एच का होता है आठ तो दो से चार बनने में दो जोड़ा चार से छः बनने में दो जोड़ा और छः से आठ बनने में कितना जोड़ा दो जोड़ा तो दो तो ऑप्शन आपके समान हो गए अब सी वाला चेक करते हैं सी का कोड होता है थ्री ई का होता है फाइव जी का होता है सेवन और आई का होता है नौ तो तीन से पाँच बनने में दो जोड़ा पाँच से सात बनने में दो जोड़ा और सात से नौ बनने में दो जोड़ा मतलब तीन जो ऑप्शन हैं वो आपके समान हो गए और बचा हुआ लास्ट जो है ये विषम हो जाएगा मतलब अन्य सभी में भिन्न होगा यही आपका आंसर हो जाएगा क्यों भिन्न होगा देख लेते हैं डी का कोड होता है पाँच ई e का होता है सिक्स एप का होता है ई e का होता है फाइव दोबारा लिख लेते हैं देखिए डी का होता है कोट चार होता है ई e का होता है पाँच एप का होता है सिक्स आई का होता है नाइन तो इसमें देखिए एक एक जुड़ रहा है फिर आपका दो जुड़ा आएगा और सभी में तीनों में दो दो जुड़े थे लेकिन इसमें आपका एक एक जुड़ रहा है तो विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है छठा इसमें आपको विषम बताना है तो विषम इसमें से कौन सा हो जाएगा तो देखिए छः सौ पच्चीस जो होता है ये आपका पच्चीस का स्क्वायर होता है और दो सौ पच्चीस जो होता है ये किसका होता है पंद्रह का स्क्वायर होता है और एक सौ उनहत्तर जो है वो किसका होता है ये स्क्वायर होता है आपका तेरह का स्क्वायर और डी जो है दो सौ छप्पन ये स्क्वायर होता है सोलह का अब एक चीज़ देखिए पच्चीस जो है आपकी विषम संख्या है पंद्रह जो है आपकी विषम संख्या है तेरह जो है आपकी विषम संख्या है लेकिन सोलह जो है आपकी सम संख्या है तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सबसे अलग आपका दो सौ छप्पन है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है लुप्त है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा तो कैसे करेंगे सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं देखिए सभी के सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए तो देखिए ए का जो होता है ए से हमें पहले सी बनाना है ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है एक सी का होता है तीन और सी से फिर पहला अल्फ़ाबेट ई बनाना है ए का होता है पाँच तो एक से तीन बनने में क्या हुआ दो जोड़ा तीन से पाँच बनने में क्या हुआ दो जोड़ा तो आगे भी दो जुड़ेगा तो पाँच में दो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा सात सात किसका होता है जी का तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया जी तो जी किस में आ रहा है ए में आ रहा है और डी में आ रहा है लेकिन बी और सी में नहीं आ रहा तो ए या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है आगे कर लेते हैं पहला अल्फ़ाबेट आपका जी मिल गया आप देखिए बीच वाला उठाते हैं बीच वाले से बीच बीच वाला ही अल्फ़ाबेट बनाते हैं तो बी का होता है दो और डी का होता है चार और फिर डी से हमें ऐप बनाना है ऐप का होता है सिक्स इसमें भी दो जुड़ा इसमें भी दो जुड़ा तो आगे भी दो जुड़ेगा तो छः में दो जोड़ेंगे तो आपका आएगा आठ आठ किसका होता है एच का तो दूसरा अल्फाबेट क्या हो गया एच अब देखिए पी से हमें क्यू बनाना है पी का कितना होता है सोलह क्यू का होता है सत्रह तो कितना जोड़ा प्लस का एक अब क्यू से आर बनाना है क्यू का होता है सत्रह आर का होता है अठारह कितना जोड़ा प्लस का एक तो आगे भी एक जुड़ेगा तो अठारह में एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा उन्नीस उन्नीस किसका होता है एस का होता है तो आपका आंसर क्या होगा जी एच एस तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर क्योंकि इसी में सारे तीनों अल्पावेट आपके मिल गए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा तो देख लेते हैं छत्तीस से चौंतीस बनाया तो क्या हुआ दो घटा अब चौंतीस से तीस बनाया कितना घटा चार घटा अब तीस से अट्ठाईस बनाया कितना घटा दो घटा अब अट्ठाईस से चौबीस बनाएंगे कितना घटा चार घटा तो देखिए पहले दो घटा उसके बाद चार घटा फिर दो घटा उसके बाद चार घटा आगे क्या घटेगा फिर दो घटेगा चौबीस से दो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बाईस तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा तो दस से तैंतीस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले दस में तीन का गुणा करेंगे तो वो तीस के बराबर हो जाएगा और तैंतीस बनाना है तो तीन और जोड़ देंगे इसमें अब तैंतीस से एक सौ दो बनाना है तो तैंतीस में सबसे पहले तीन का गुणा करेंगे तो आएगा निन्यानवे और इसमें तीन और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा एक सौ दो अब एक सौ दो से तीन सौ नौ बनाना है तो एक सौ दो में तीन का मल्टीप्लाई और तीन जोड़ दिया इसमें भी और बन गया तीन सौ नौ आगे भी यही काम करेंगे तीन सौ नौ में सबसे पहले तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन सत्ताईस की दो हाथ से लगा दो सत्ताईस के साथ हाथ से लगा दो और दो ये हो जाएगा तीन त्रिकन नौ नौ सौ सत्ताईस और नौ सौ सत्ताईस में तीन और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नौ सौ तीस तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए तो ये संख्याएं दी हुई हैं इसमें से आपको गलत बताना है तो कैसे करेंगे नौ देखिए ये ये होता है आपका तीन का स्क्वायर और सोलह होता है ये चार का स्क्वायर होता है पच्चीस होता है पाँच का स्क्वायर छत्तीस होता है छः का स्क्वायर और उनचास होता है सात का स्क्वायर मतलब देखिए पहले तीन का स्क्वायर किया मतलब सीरियल बाइज से चल रहे हैं तीन के बाद चार चार का स्क्वायर किया चार के बाद पाँच आता है फिर पाँच का स्क्वायर किया पाँच के बाद आता है छः फिर छः का स्क्वायर किया छः के बाद आता है सात सात का स्क्वायर किया तो सात के बाद क्या आता है आठ फिर आठ का स्क्वायर कर देंगे आठ का स्क्वायर करने पर आपका आंसर आना चाहिए चौंसठ लेकिन यहाँ पर दे रहा है इकसठ तो गलती किस में है इकसठ में तो ऑप्शन डी ए स राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के, के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है तो ये मेजरमेंट दिया हुआ है इससे चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है तो ऑप्शन सी मास्टर क्योंकि मास्टर के सारे अल्फाबेट आपको मेजरमेंट में मिल जाएंगे लेकिन ऑप्शन ए में आ रहा है एस्योर एस्योर में आपका दो बार ऐसा आ रहा है लेकिन मेजरमेंट में आपका एक बार ऐसा आ रहा है तो ये नहीं बन सकता आपका मेंटल है मेंटल भी नहीं बन सकता है इसके बाद है सबमिट सबमिट ये भी नहीं बन सकता है ओके क्योंकि सबमिट में आई यूज हो रहा है अल्फाबेट लेकिन मेज़रमेंट में आई अल्फ़ाबेट है ही नहीं तो ये वाला भी नहीं होगा और बनाया जा सकता है मास्टर तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है अगला गाइस अगला क्वेश्चन है दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार ये स्टार है चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा ये होगा और ये जो स्टार है ये एक इक्वेशन है इसमें स्टार है इसमें हम लोग चिन्हों को अप्लाई कर देंगे तो देख लेते हैं आपका इक्वेशन क्या है पंद्रह स्टार फिर है आपका पाँच स्टार फिर है थ्री फिर थ्री के बाद स्टार है फिर पच्चीस है तो इसमें ऑप्शन जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा ऑप्शन बी तो आपका आएगा पंद्रह है पहले स्टार की जगह आएगा मल्टीप्लाई फिर है पाँच फिर दूसरे स्टार की जगह क्या आएगा डिवाइड डिवाइड लगा दिया फिर आपका आप नेक्स्ट क्या है आपका तीन तीन के बाद स्टार है तो अब आगे क्या आएगा बराबर पच्चीस तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग भाग वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पंद्रह इंटू पाँच बटे तीन इजल टू पच्चीस तीन से ये काटेंगे तो पच्चीस बराबर पच्चीस मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए समीकरण संतुलित हो गया तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को सात कमा पाँच कमा अठारह कमा तेरह कमा एक कमा चौदह कमा पच्चीस लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए जर्मनी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं और आगे ये दिए हुए हैं जो सात कमा पाँच कमा अठारह ये दिए हैं ये जर्मनी के अल्फ़ाबेट के कोड हैं तो जर्मनी में पहला अल्फ़ाबेट है जी जी का कोड होता है वैसे सात तो यहाँ पर सात दिया हुआ है फिर है ई का कोड कितना होता है पाँच तो ये पाँच दिया हुआ है फिर है आर जर्मनी में आर का कितना होता है अठारह तो अट्ठारह भी दिया हुआ है फिर है एम एम का होता है गाइस तेरह तो तेरह भी दिया हुआ है फिर ए ए का कितना होता है रियल में एक होता है तो यहाँ पर एक दिया है फिर एन और बाई एन का होता है चौदह बाई का होता है पच्चीस जो कि दिया हुआ है इसी प्रकार फ्रांस के लिए कर लेंगे तो फ्रांस में पहला अल्फाबेट है एप एप का होता है छः, और आर का होता है अठारह और ए का होता है एक और प्रांस में एन अगला अल्फाबेट है एन का होता है चौदह फिर है सी सी का होता है थ्री फिर है ई e, e का होता है पाँच तो ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मिल गए ऑप्शन ए में छः कामा अठारह कमा एक जो कि इसमें दिए हैं फिर चौदह काम है तीन कम पाँच ये दिए हुए हैं तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को लास्ट में तीसरे कॉलम को तो पहले कॉलम में आपकी बड़ी संख्या है अस्सी तो हमें अस्सी बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे इसके नीचे आपके दिए हुए हैं चालीस और साठ सबसे पहले चालीस और साठ को जोड़ देंगे ये किसके बराबर आ जाएगा सौ के बराबर तो सौ से अस्सी बनाना है तो इसमें कितना घटा देंगे बीस घटा देंगे तो आपका आ गया अस्सी इसी तरह से सेकंड कॉलम में आपकी बड़ी संख्या है साठ तो साठ बनाना है तो क्या करेंगे तीस और पचास को जोड़ देंगे तीस और पचास को ऐड कर दिया तो आपका आया अस्सी अब अस्सी से हम लोग क्या करेंगे अस्सी से बीस घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया था तो आपका आ गया साठ अब इसी प्रकार तीसरे कॉलम में हमें बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले ये बीस और चालीस को ऐड करेंगे तो आता बीस और चालीस कितना होता है साठ और साठ से बीस घटा देंगे तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी चालीस तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े या कह सकते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या है मतलब एक से हम लोग कह सकते हैं तीन ओके तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी पहले देखिए आपकी पोस्टें होती हैं तो सबसे पहले छोटी पोस्ट आपकी कौन सी हो जाएगी क्लर्क उसके बाद आपकी कलेक्टर हो जाएगी उसके बाद आपकी आ जाएगी मुख्य सचिव उसके बाद गवर्नर और लास्ट में आता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे